प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बजट ने काश्तकारा और कामगार की फरक खातर बताया ऐतिहासिक कदम। कया बजट घोषणा मासू 12 करोड़ छोटा कामगारा काश्तकारा 340 करोड़ कामगारा और 3 करोड़ सुबत्ते मध्यम वर्गीय परिवार नवेलो सीधो फायदो। केंद्रीय मंत्री राज्यवर्धन सिंह राठौड़ आज जयपुर भवानी निकेतन में छात्र संघ कार्यालय रो करया उद्घाटन कया। कड़ी मेहनत और लगन सु करियो जा सके है अपना लक्ष्य ने हासिल। सहकारिता और इंदिरा गांधी नहर परियोजना मंत्री उदयलाल आंजना प्रदेश का विकास व आधार काश्तकारा री मजबूत आर्थिक स्थिति ने बताया। कया सरकार काश्तकारा री आर्थिक स्थिति ने कर दी है प्राथमिकता से मजबूत। प्रदेश में स्वाइन फ्लू से निपटपा खातर सरकार करती है पूरी जुगत। स्वास्थ्य केंद्र माथे स्वास्थ्य सुविधा मारे ली की जानकारी दिया गया जरूरी हुक्म। अब प्रदेश में कम तापमान में उतार चढ़ाव रो दौर जारी। सीढ़ी भार चाल बसु बढ़ो जाड़ा रो असर। खबर में आप घणो स्वागत। खबर फिगतवार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कह है कि सरकार रो बजट काश्तकारा और कामकाजी वर्ग वास्ते ऐतिहासिक कदम है। वे विपक्ष माला आरोप मांडया कि वे काश्तकारा री कर्ज माफी वास्ते झूठी वाहवाही लूट रिया है। आज पश्चिम बंगाल रमाए ठाकुर नगर और दुर्गापुर में न्यारी न्यारी जनसभावा में बोलता थका प्रधानमंत्री कया का बजट घोषणा सु 12 करोड़ छोटा काश्तकारा 340 करोड़ कामगारा और 3 करोड़ सुपत्ति मध्यम वर्गीय परिवार ने सीधो फायदो वेला। केंद्र की सरकार कामगार के जीवन को आसान बनाने में जुटी हुई है। अपनी इसी प्राथमिकता को विस्तार देते हुए एक ऐतिहासिक कदम उठाया गया है। देश के इतिहास में पहली बार किसानों और कामगारों के लिए बहुत बड़ी योजनाओं का ऐलान किया गया है। बजट में जिन योजनाओं की घोषणा की गई है उनसे देश के 12 करोड़ से ज्यादा छोटे किसान परिवारों को 30-40 करोड़ श्रमिकों को मेरे मजदूर भाई बहनों को और 3 करोड़ से ज्यादा मध्यम वर्ग के परिवारों को सीधा लाभ मिलना तय है। देश में कई बार किसानों के साथ कर्ज माफी की राजनीति करके किसानों की आंख में जुल झोंकने के निर्लज प्रयास हुए हैं। किसानों के भोलेपन का स्वार्थी दलों ने कई बार लाभ उठाया है। आपने देखा होगा कि अभी कुछ राज्यों में कर्ज माफी के नाम पर किसानों से वोट मांगे गए, परिणाम क्या हुआ? ऐसे किसानों की कर्ज माफी हो रही है जिसने कभी कर्ज लिया ही नहीं। ये कहानी मध्य प्रदेश की है। वही राजस्थान में तो सरकार ने हाथी खड़े कर दिए। वहां तो अब ये बहाना बनाया जा रहा है कि हमें तो पता ही नहीं था कि किसानों का कर्ज माफ करने से इतना बड़ा बोझ पड़ेगा। ये है कांग्रेस की किसान और कृषि नीति जिसको यहाँ के सीएम का समर्थन मिल रहा है। आजादी के बाद भी अनेक दशकों तक गांव की स्थिति पर उतना ध्यान नहीं दिया गया जितना देना चाहिए थे। यहां पश्चिम बंगाल में तो स्थिति और भी खराब है। जो बीत गया वो बीत गया। नया भारत अब इस स्थिति में नहीं रह सकता। और इसी चीज के साथ, इसी सोच के साथ बीते 4.5 वर्षों से इस स्थिति को बदलने का एक ईमानदार प्रयास केंद्र की सरकार कर रही है। गांव हो, किसान हो, कामगार के जीवन को आसान बनाने में जुटी हुई है।
केंद्रीय सूचना और प्रसारण राज्य मंत्री और जयपुर ग्रामीण सांसद कर्नल राज्यवर्धन सिंह राठौड़ आज जयपुर भवानी निकेतन में छात्र संघ कार्यालय रो उद्घाटन कराया। इन मौके पे पढ़निया सु कहा कि वे कड़ी मेहनत और लगन सु अपना लक्ष्य ने हासिल कर सके है। कार्यक्रम में कई जन प्रतिनिधि भी मौजूद था। आज इस 2019 वर्ष में हम तलाश कर रहे हैं जयपुर ग्रामीण में सबसे तेज धावक की, कि कौन सबसे तेज दौड़ता है 100 मीटर लड़के और लड़कियों के लिए, और फिर एक लंबी दौड़ जिसमें 1.5 किलोमीटर लड़कियों के लिए और 3 किलोमीटर लड़कों के लिए। ये हर गांव से एक एक टीम बनेगी, हर गांव में मुकाबला होगा, हर पंचायत में मुकाबला होगा, और हर पंचायत में मुकाबला होने के बाद हर पंचायत से 28 लोगों की टीम बनेगी 100 मीटर लड़के लड़कियों के लिए, 1500 लड़के लड़कियों के सिर्फ लड़कियों के लिए और 3000 सिर्फ लड़कों के लिए। इस तरह की 28 लोगों की टीम बनेगी जिसमें रस्ता कशी भी शामिल होगा, और ये 28 लोगों की टीम का फिर मुकाबला विधानसभा स्तर पर होगा, और विधानसभा स्तर के बाद मुकाबला होने के बाद लोकसभा स्तर के मुकाबला होगा। सब ये पूछते हैं कि कोई ना कोई सीक्रेट बताइए जिसमें मेहनत कम हो सफलता पूरी हो, ऐसा ही सब बोलते हैं। सिर्फ एक ही सीक्रेट है जीवन के लिए, और वो सीक्रेट है कि पेट के अंदर एक आग होनी चाहिए कुछ पाने के लिए। अगर आप जीवन में एक कोई चीज पाना चाहते हैं, एक कोई चीज आप पाना चाहते हैं और पेट के अंदर आप में जबरदस्त लगन है, तो दुनिया की कोई ताकत नहीं है जो आपको पीछे छोड़ सकती हो। मुझे अभी बताया जा रहा था कि आपका एक एथलेटिक स्टेडियम तैयार होना है। अगर आप एथलेटिक स्टेडियम में भवानी निकेतन की तरफ से पैसे लगाने को तैयार हैं, तो जितने पैसे आप लगाएंगे उसके 2 गुना पैसा मैं लगाऊंगा। चलिए आप सब इसी महीने, क्योंकि 1 महीने के बाद आचार संहिता लगने वाली है, 1 महीने के अंदर अंदर अगर आप कागजी कार्रवाई पूरी करेंगे, आप उसके अंदर 4 करोड़ रुपए दीजिए, मैं 8 करोड़ रुपए देता हूं और आपका एथलेटिक स्टेडियम तैयार कराता हूं। सहकारिता और इंदिरा गांधी नहर परियोजना मंत्री उदयलाल आंजना कहा कि प्रदेश का विकास और मुख्य आधार काश्तकारा की आर्थिक स्थिति मजबूत बनो है। इन खातर सरकार काश्तकारा की आर्थिक स्थिति ने प्राथमिकता से मजबूत बना रही है। सहकारिता मंत्री प्रतापगढ़ छोटी सादड़ी में राखी जा जल घुलनशील उर्वरक उपयोग विचार गोष्ठी जलसारा दौरान यह बात कहा। सहकारिता वालों को सचेत होना है, इस कंपटीशन के मार्केट पर रुकना होगा, तो लोगों के दिल में घुसना होगा, किसानों के सुख दुख का भागीदार बनना होगा, कीमत में कंपटीशन करना होगा, जानकारी हर जगह उपलब्ध करानी होगी, जिम्मेदारी होगी सोसाइटी। लाली राज्य सरकार रा 6 महीना में लिया गया फैसला री जांच खातर बनाई जी मंत्री स्तरीय समिति री काल जयपुर में बैठक हुई। बैठक रमाए समिति सगला महकमा ने हुक्म दीना कि लाला 6 महीना में किणी भी व्यक्ति विशेष संस्थान आर्थिक फायदों पुगाबा खातर नियमा में बदलाव, नीति में छूट या शिथिलता दे वाला सगला मामला ने विभागीय स्तर माले पिछाणर समिति रे सामे बेगोथर उचावाए। बैठक रमाए समिति रा संयोजक यूडीएच मंत्री शांति धारीवाल, ऊर्जा मंत्री बीडी कल्ला और खाद्य मंत्री रमेश मीणा शामिल किया। विधानसभा अध्यक्ष डॉ सीपी जोशी कहा है कि प्रदेश की जनता कांग्रेस माले भरोसा जताई है, अब कांग्रेस सरकार लोकारी आस माले खरी उतरेला। काल दौसा जिला रा एक दिन रा दौरा माले डॉ सीपी जोशी कई कार्यक्रम में शामिल किया। इन बीच वारू ब्राह्मण समाज समेत कई सामाजिक संगठन सत्कार कराया। विधानसभा अध्यक्ष के रूप में हमारी जिम्मेदारी है कि विधानसभा ठीक ढंग से चले जिससे जनता की आकांक्षाओं की पूर्ति हो सके। मुझे पूरा विश्वास है कि सरकार अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन करेगी और विपक्ष भी अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन करेगी, और कुल मिलाकर सरकार ने जो वादे किए उनकी उन्होंने अच्छी शुरुआत कर दी है। चाहे किसान का कर्जा माफ करने का हो, चाहे बेरोजगारों को रोजगार देने का भत्ता देने का सवाल हो, सरकार ने वो कदम उठाए जो जनता में विश्वास पैदा करते हैं।
प्रदेश में स्वाइन फ्लू से निपट पाने वास्ते सरकार पूरी चुकत कर रही है। चिकित्सा मंत्री डॉक्टर रघु शर्मा स्वाइन फ्लू से प्रभावित राज्य रा पश्चिमी जिला रो दौरो कर बंदोबस्त की जानकारी लेना। शर्मा पाली राजस्थान में जैसलमेर और सामुदायिक अस्पताल केंद्र माथे मेडिकल कॉलेज से संबंधित जानकारी लेना। वो जनता की सेवा के लिए एकदम चाक चौबंद रहे, वहाँ सारी सुविधाएं लोगों को मिले, ये भी सुनिश्चित किया जा रहा है कि जो घटता हुआ लिंगानुपात है उसको भी हम मेंटेन रखें। तो हर दृष्टिकोण से, चाहे मौसमी बीमारी हो, चाहे और तरीके की बीमारी हो, मनुष्य का स्वास्थ्य अच्छा रहे, इस बात के लिए स्वास्थ्य विभाग आने वाले टाइम में और भी जो कदम उठाने पड़ेंगे हम उठाएंगे। भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो रो दल काल भरतपुर जिला रा डीग में अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक रा रीडर ने 24,000 रुपया री घूस लेवता रंगे हाथा गिरफ्तार कर लेनो। एसीबी रा मुजब रीडर लोकेश मीणा या घूस री रकम परिवादी सु पोक्सो एक्ट रा हुकम में मुकदमा में डीएनए जांच री फीस रा नाम माला मांगी है। परिवादी मोहम्मद अली की तरफ से एक रिपोर्ट प्रस्तुत हुई थी कि डीएनए की रिपोर्ट के लिए लोकेश नाम का जो उनके कार्यालय का रीडर है, एडिशनल एसपी डी के कार्यालय का रीडर है, वो हमारे से पैसे मांग रहा है। तो डीएनए की फीस के नाम से, रसीद देने के नाम से, और इसने आज यहाँ थाने के सामने बुलाया और 24,000 रुपये लेकर के इसने स्वयं के हाथ से लेकर के और पैंट जीन्स की पैंट में इसने रखे जो इसे बरामद हुए, अभी कार्रवाई की जा रही है। चूरू में केंद्र सरकार ने पहल माले मूंगफली खरीद केंद्र खुल जाबासू काश्तकारा ने घणो फायदो वियो है। अठे सुजानगढ़, रतनगढ़, तारानगर और सरदार शहर का काश्तकारा ने लाखों क्विंटल मूंगफली खरीद केंद्र कानेसू खरीदी गई है और करीब सब ने भुगतान करी जा चुको है। जाने भुगतान नहीं करी गयो है, वहाँ खातर प्रक्रिया जारी है। काश्तकारा ने और शेष बचा है वो किसान को 3500-3700 रुपया पर क्विंटल में बाहर मार्केट में बेचना पड़ता है। प्रदेश में कर्फ्यू सीढ़ी भाड़ चाल बसु जाड़ा रो असर पड़ गयो है। लोग जाड़ा सु बचवा खातर कई भांति जुगत कर रहा है। राजधानी जयपुर में काल दिन भर करीब 15 किलोमीटर प्रति घंटा री रफ्तार सु चाली सीढ़ी भाड़ रे पछे रात रा तापमान में गिरावट दर्ज करी गई है। आज माउंट आबू में सबू कम तापमान 1.5 डिग्री सेल्सियस दर्ज करो गयो। बीकानेर में 5, चूरू में 5.5, श्रीगंगानगर में 5.8 डिग्री सेल्सियस कमो कम तापमान दर्ज करो गयो है। महकमा मुजब आपड़ा 24 घंटा रे दौरान प्रदेश में बूंदाबांदी रे साथ है कोहरो छायो रह बारो अंदेशो है। अरब है खास खबर एक कर फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बजट में काश्तकार और कामकाजी वर्ग खातर बताए ऐतिहासिक कदम। कया बजट घोषणा सु 12 करोड़ छोटा काश्तकारा, 30-40 करोड़ कामगारा और 3 करोड़ सुबत्ती मध्यम वर्ग के परिवारा नवेलो सीधो फायदो। केंद्रीय मंत्री राज्यवर्धन सिंह राठौर आज जयपुर भवानी निकेतन में छात्र संघ कार्यालय रो करे उद्घाटन। कया कड़ी मेहनत और लगन सु करो जा सके है अपना लक्ष्य ने हासिल। सहकारिता और इंदिरा गांधी नहर परियोजना मंत्री उदयलाल अंजना प्रदेश का विकास व आधार। काश्तकारा ने मजबूत आर्थिक स्थिति ने बताया कि सरकार काश्तकारा की आर्थिक स्थिति ने कर ली है प्राथमिकता से मजबूत। प्रदेश में स्वाइन फ्लू से निपटवा खातर सरकार कर रही है पूरी जुगत। स्वास्थ्य केंद्र माथे स्वास्थ्य सुविधा में रेली की जानकारी, दिया गया जरूरी हुक्म। आज प्रदेश में कम तापमान में उतार चढ़ाव रो दौर जारी। सीढ़ी भाल चाल बसो बड़ी जाड़ा रो असर। इंडिया साथ ये खबर आठ पूर्वी सा नमस्कार।